डॉक्टर ने कहा था कि आप बेड रेस्ट कीजिए कम से कम 3 हफ्ते। हमने डॉक्टर साहब को बोला बेड रेस्ट अब तेजस्वी तभी करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट ना करा दे। इस अवस्था में लगभग 230 से भी ज्यादा सभाएं हमने की है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मोदी जी भाजपा के लोगों का जो हिडन एजेंडा है, देश के संविधान को खत्म करना, लोकतंत्र को खत्म करना। तो इस अवस्था में तेजस्वी बैठने वाला नहीं है। लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी उस कुर्बानी को हम लोग देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी को 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार को धोखा देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री जी कई बार 13-14 बार बिहार आ चुके हैं, कई रैलियां कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, महंगाई का म नहीं बोलते। प्रधानमंत्री केवल नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं, लेकिन इस बार बिहार की जनता नफरत के झांसे में, झूठ के प्रचंड में फंसने वाली नहीं है। इस बाहर प्रधानमंत्री से जानना चाह रही है कि 10 साल आपने राज किया, बिहार को आपने क्या दिया? आप बताओ प्रधानमंत्री जी ने बख्तियारपुर के लिए कोई काम किया हो तो आप एक काम बता दो जो बख्तियारपुर के लिए किया हो। केवल झूठ बोला कि नहीं बोला? कोई नौकरी दी, महंगाई कम की, गरीबी कम की, कोई बढ़िया अस्पताल बनवाया, कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी बनवाया? कोई काम बख्तियारपुर के लिए इन लोगों ने नहीं किया। इसलिए हम लोग काम की बात करते हैं, और प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई भी परिवार का लोग बैठ करके उनका भाषण नहीं सुनना चाहता, कोई भाषण नहीं सुनना चाहता। क्या बात करते हैं? मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मुजरा, ऐसी ऐसी बातों का वो जिक्र करते हैं, ये उनके लिए मुद्दा है। हम बात करते हैं पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, गरीबी के बारे में बात करते हैं, बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं, महंगाई के बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को बिहार आकर के गाली देना है? लालू जी को गाली देंगे, तेजस्वी को गाली देंगे, राहुल जी को गाली देंगे? इतनी मर्यादा गरिमा प्रधानमंत्री पद का कम से कम रखना चाहिए था। इनसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री और कोई नहीं है विश्व में। अगर सबसे कोई झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। ये इतना झूठ बोलता है कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। कोई बताओ अच्छे दिन आने वाले थे, कहां गया अच्छे दिन? ठग लिए कि नहीं ठग लिए? एक बार ठगाया, दो बार ठगाया, लेकिन तीसरा बार ठगाने वाला नहीं है। इसलिए मोदी जी गारंटी देते हैं। क्या गारंटी देते हैं? तेजस्वी को जेल भेजने का गारंटी देते हैं, लेकिन राहुल जी और तेजस्वी नौकरी देने की गारंटी देता है। हमने 17 महीने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन कराया। हम लोगों ने नियोजित शिक्षक कर्मियों को 4.5 लाख जो थे उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। जाति आधारित गन्ना हमने कराया, 75% आरक्षण हम लोगों ने कराया। कोई भी भाजपा शासित राज्य में अगर 75% हो तो हमको बता दो। ओबीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर के झूठ पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। तो देखो भाई, आप लोगों से मित्रा कहेंगे मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बानू टनाटन टनाटन टनाटन।
नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट। कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठकाठक ठकाठक ठकाठक। माले को वोट पड़ेगा ठकाठक। वीआईपी को वोट पड़ेगा ठकाठक। तो इसलिए मिजाज एकदम बुलंद रखिए। और हम आप लोगों को कहने आए, 5 किलो अनाज नहीं 10 किलो अनाज मिलेगा। और अनाज देने की शुरुआत यूपीए के समय से हुई। फूड सिक्योरिटी बिल तब आया। तो ये सच्चाई है, ये भी जानने की जरूरत है। आप सब लोगों को हम कहने आए कि अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे, हम लोगों की सरकार खत्म करेगी। और जैसे पहले बहाली सेना में हुआ करता था वैसे ही बहाली होगा। गरीब परिवार की बहनों को लाख रुपए जो है साल में खाते में जाएगा, यानी हर महीने 8,333 रुपए सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। ये लोग तेजस्वी को जेल डालने की बात करते, राहुल गांधी जी को जेल में डालने की बात करते। इनका साबित हो गया कि ईडी सीबीआई जो है इनके पॉकेट में है। मोदी जी तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा, कितने दिन तक जाएगा। लेकिन हम लोग खांटी बिहारी हैं। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी डराएगा नहीं, लड़ेंगे। और हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, हम लोग डरेंगे नहीं। मोदी जी अब विदाई का तैयारी करो, 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है।